कंपटीशन से बने रहेंगे तभी आप अपना बेस्ट निकाल पाएंगे। एडवांटेज ही लीजिए कि कंपटीशन है तभी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा हूँ। आखिर में आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरह ही ड्रीम्स रखते हैं। स्पेशली फैकल्टी बहुत ही मज़ेदार थी, बेफिक्र होकर अपने चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते थे कि क्या जर्नी में क्या दिक्कत हो रहा है, प्रिपरेशन में कैसे बूस्ट कर सकता हूँ। नहीं, आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, इतना पढ़ते हो, तो समटाइम्स ऐसा फील होता है पूरा डीमोरलाइज हो जाते हैं कुछ बच्चों को देख के, एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि यार अब छोड़ो, अब नहीं करना है, ये क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, कभी टेस्ट वगैरह मार्क्स कम आते हैं और कभी। हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? आज हम कविश से बात करने वाले हैं जो बेसिकली सूरत से ही बिलोंग करते हैं। वेल, उन्होंने अपने जीई एडवांस के फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सब कुछ क्लियर कर दिया है और एडवांस में इतना अच्छा स्कोर किया है। वेल, इनकी ये जर्नी के पीछे बहुत सारी एफर्ट्स लगी होगी और एक लगन भी चाहिए होती है आप किसी चीज़ को सर करने वाले हो तो। तो वेल, चलो उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही पूछते हैं कि उनकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, क्या क्या उन्होंने एफर्ट्स डाले हैं। वेल कविश, सबसे पहले आपको बहुत सारा कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपका वैसे क्या स्कोर आया है? 1082। ओके, एंड आपकी यहाँ तक की जर्नी कैसी रही, थोड़ा आप शेयर करना चाहोगे? मेरी तो ट्वेल्थ की जर्नी बहुत ज़्यादा स्मूथ थी। 11th में थोड़ी दिक्कत होती थी, कॉन्फिडेंस कम होता था, बट 12th में मैं बहुत सीरियस भी था और कॉन्फिडेंट था कि मैं अच्छा वेल करूँगा स्कोर। तो कभी ऐसा हुआ है कि आप जब एक ऐसे टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो तो एक अलग टाइप का प्रेशर होता है, अलग टाइप का एक टेंशन भी रहता है, तो आपके साथ ऐसा हुआ है? हाँ ज़रूर, वो कॉम्पिटिशन का प्रेशर बहुत रहता है। आप इतने सारे लोगों में कम्पीट कर रहे हो और आपके साथ बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट जो आपकी तरह है आपसे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं टेस्ट वगैरह में, तो उसका एक टेंशन रहता है, प्रेशर रहता है कि मैं कहीं लैक ना हो जाऊँ। पर उसी के कारण और पढ़ने का मन करता है, वही मोटिवेट करता है कि मैं और पढ़ूँ और ज़्यादा क्वेश्चंस लगाऊँ और अच्छी मेहनत करूँ। तो एक बच्चे के लिए जब इतना सारा कंपटीशन हो, इतने सारे स्टूडेंट्स भी हो, तो ये कंपटीशन में बने रहने का कितना इम्पोर्टेंस है? कंपटीशन से बने रहेंगे तभी आप अपना बेस्ट निकाल पाएंगे। मतलब कंपटीशन को अपना एडवांटेज ही लीजिए कि कंपटीशन है तभी मैं अपना बेस्ट परफॉर्म कर पा रहा हूँ, क्योंकि आखिर में आपके साथ बहुत सारे लोग होंगे जो आपकी तरह ही ड्रीम्स रखते हैं, तो उन्हें आपके साथ कम्पीट आपको उनके साथ कम्पीट करना है तो आपको अपना बेस्ट निकालना पड़ेगा। तो कंपटीशन को उसका डार्क साइड मत देखो, उसका ब्राइट साइड देखो। बिल्कुल बिल्कुल। एंड जब आपका मेन का स्कोर कितना रहा है? मेंस का 269 रहा। ओके, तो मेंस से लेकर एडवांस तक की जो प्रिपरेशन की जर्नी होती है, एग्जाम की जर्नी होती है, वो कैसी रही आपकी? बहुत अच्छी रही मेन से एडवांस की जर्नी। मुझे तो उल्टा ऑन मन था पढ़ने का कि एडवांस के एग्जाम और लेट होती तो मैं ज़्यादा प्रिपेयर कर पाता, पर फिर भी मेरे मेंस के लिए जैसे बेसिक्स वगैरह बहुत अच्छे स्ट्रांग हो गए थे, तो मेन से एडवांस में मुझे फिर एडवांस के पे पूरा फोकस करना था, एडवांस के क्वेश्चन लगाने थे। तो वेल, जब आप इतनी टफ एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हो और आप इतना अच्छा स्कोर कर रहे होते हो, तो ऐसी कोई अलग सी स्ट्रेटेजी आपने बनाई थी पढ़ाई के लिए? मेरी स्ट्रेटेजी मतलब 12th की स्टार्टिंग में मिड तक तो क्लियर हो गई थी, तो मेरा कोई स्ट्रेटेजी बाद में कुछ सोचना नहीं था। मुझे जब क्लियर हो गया था कि क्या सब्जेक्ट्स को कैसे डील करना है, मेरे एग्जाम्स में क्या स्ट्रेटेजी है, मेरी सारी पहले एग्जाम से पहले बहुत पहले क्लियर हो चुकी थी। वह आपकी इस जर्नी में PW का सपोर्ट कैसा रहा है? बहुत ही अच्छा सपोर्ट था PW की, स्पेशली फैकल्टी बहुत ही मज़ेदार थी। सारे आप बेफिक्र होकर अपने चीज़ें उनके साथ शेयर कर सकते थे कि क्या जर्नी में क्या दिक्कत हो रहा है, प्रिपरेशन में कैसे बूस्ट कर सकता हूँ, मेरी वीक एरियाज क्या है, कैसे मैं उन्हें इम्प्रूव करूँ। PW का एनवायरनमेंट कैसा है एक बच्चे के लिए, एक जो जहाँ पे आप पढ़ रहे होते हो, जहाँ पे टीचर्स इतने अच्छे होते हैं जैसा कि आपने बताया, तो ये एनवायरनमेंट कितना इम्पोर्टेंट होता है? एनवायरनमेंट आप एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहना चाहिए, जो मुझे PW में मिला भी वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था। यहाँ पे सारे स्टाफ मेंबर, PW के फैकल्टी सभी बहुत पॉजिटिव थे, मतलब बहुत ज़्यादा एंकरेजिंग थे, मोटिवेटिंग थे मेरे लिए। एंड PW के जो फैकल्टीज है, जो टीचर्स है, जितने जिन्होंने इतना अच्छा पढ़ाया आपको, तो उनके बारे में आप कुछ बताना चाहोगे? सारे टीचर मतलब बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही अच्छे, अपने सब्जेक्ट में बहुत ही मास्टर है। आप हर चीज़ में उन्हीं को ही देखो कि मुझे इस सब्जेक्ट में क्या इम्प्रूव करना है, तो उन्हीं को पता है सारा। आप उनकी बातों को एकदम ही मतलब ठान लो कि यही मैं करूँगा, तभी मेरे मार्क्स इम्प्रूव होंगे, तभी मेरा रैंक अच्छी आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपके यहाँ तक की जर्नी में पेरेंट्स का सपोर्ट कैसा रहा है, कि जब आप इतनी टफ जर्नी डिसाइड करते हो, प्रिपरेशन करते हो, तो पेरेंट्स का भी सपोर्ट चाहिए होता है, तो पेरेंट्स का कैसा सपोर्ट रहा है? पेरेंट्स का बहुत ही सपोर्टिव सपोर्ट था, पूरा ही सपोर्ट था। कि मेरा बड़ा भैया भी ना जेई में ही था, तो मेरे पापा मम्मी को सबको पता था कि जेई में मतलब कॉम्पिटिशन बहुत है, मेहनत लगती है, तो मुझे बहुत ही
स्मूथ था मेरा। कभी ऐसा हुआ है कि जब इतनी आप प्रिपरेशन कर रहे होते हो, इतना पढ़ते हो, तो समटाइम्स ऐसा फील होता है थोड़ा डीमोरलाइज हो जाते हैं कुछ बच्चों को देख के, एंड फ्रस्ट्रेटेड भी हो जाते हैं कि यार अब छोड़ो, अब नहीं करना है, ये क्या पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, तो कभी आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है? हाँ, कभी टेस्ट वगैरह मार्क्स कम आते हैं और कभी प्रोलॉन्ग बहुत ज़्यादा टेस्ट हो रही है, बहुत हेक्टिक शेड्यूल्स हो रहा है तो थकते हैं ज़रूर, पर फिर ठीक है, फिर से सेल्फ मोटिवेशन रहता है कि आगे अच्छा परफॉर्म करें। तो वैसे आपका सेल्फ मोटिवेशन क्या रहा है? मैंने मतलब स्टार्टिंग से ही मैं अच्छी आईआईटी जाना चाहता था, तो मुझे पता था कि अच्छा पढ़ना है, मैं रेडी था माइंडसेट मेरा। तो आपकी क्या आईआईटी ड्रीम कॉलेज कौन सी है? मेरी अभी कानपुर। कानपुर, तो आपके जैसे जो अभी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो अभी एग्जाम देने, आप जो नेक्स्ट एग्जाम आएगी उसकी तैयारी कर रहे, तो उनके लिए आप कोई ऐसी टिप्स या ट्रिक्स देना चाहेंगे? हाँ, मैं 11th के बच्चों को यही एडवाइस दूंगा कि 11th में अपना बेस बहुत स्ट्रांग कर लिए सारे, आप भले ही 12th का पोर्शन ज़्यादा वेटेज रखता है जेई में, पर 11th में अगर आपने बेस स्ट्रांग रखा है तो 12th में वो ज़रूरी रहेगा, तो आपको वो हेल्प करेगा 12th में आगे अपने डीप में जाने के लिए जो चैप्टर्स है, तो बेस स्ट्रांग होना चाहिए, वो 11th में ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो बात कही वो सच में बहुत सही कही कि बच्चों को ये सब कुछ बहुत ही ध्यान रखना चाहिए। एंड जब पीडब्ल्यू में आप पढ़ाई कर रहे हो, तो पीडब्ल्यू में एक अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छे फैकल्टीज है, और आपके साथ जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो भी यू नो आपके फ्रेंड्स बने हैं यहाँ पे? हाँ, बहुत फ्रेंड्स, बहुत फ्रेंड्स बने हैं, तो उनके साथ कभी ऐसी कोई कॉम्पिटिशन वाली फील आई? हाँ, कॉम्पिटिशन भी था कि मेरा दोस्त मेरे से आगे, मैं मुझे अगले टेस्ट में उससे आगे जाना है, तो वो बहुत मजेदार रहता है, उससे पढ़ाई भी मस्त होती है। तो पीडब्ल्यू के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे जो हमारे अब न्यू एस्पिरेंट्स आने वाले हैं? यही कि आपका 11th 12th बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी आपको बेहतर कॉलेज में जाने के लिए, वो आपके लाइफ में करियर में बहुत हेल्प करेगा, तो पूरा यूज़ करना चाहिए 11th 12th, मन लगा के पढ़ना चाहिए और पढ़ना है। पहले आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा, आप अपनी ड्रीम कॉलेज में आप अपना एडमिशन ले लो और आप जो आपका गोल है वो आप अच्छे से अचीव कर लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।